हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के कोर्स में सेस वर्सेस सरचार्ज का टॉपिक जो है चूज़ किया है। आज हम देखेंगे सेस एंड सरचार्ज क्या होता है। बेसिकली जब हम परचेसिंग करते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, तो हमें जो बिल मिलता है उस बिल में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको सेस एंड सरचार्ज का एक जो है ऑप्शन दिखता है। वहाँ पे कुछ अमाउंट जो है सेस एंड सरचार्ज के नाम पे जो है लिया जाता है हमसे। तो आज हम देखेंगे सेस एंड सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट जो है क्यों सेस एंड सरचार्ज लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी लेती है और उसके बाद अगर सेस एंड सरचार्ज ले रही है तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो वो उस रीजन को जानेंगे, लेक्चर को एंजॉय करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो सेस एंड सरचार्ज है वो क्या है। बेसिकली टैक्स के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेस एंड सरचार्ज। सेस एंड सरचार्ज में जो है एक माइनर लाइन का डिफरेंस है, वही हम आज देखेंगे डिफरेंस। मैंने जैसा आपको बताया, सेस एंड सरचार्ज क्या है, टैक्स ओवर टैक्स। जब हम टैक्स देते हैं तो उस जितना अमाउंट हम टैक्स दिए रहते हैं तो उसी टैक्स पे जो है एक और टैक्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेस, एंड एक दूसरे केस में क्या बोलते हैं, सरचार्ज। तो जो हमारा सेस है वो क्या है, बेसिकली टैक्स ओवर टैक्स है, कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज एंड कैन बी यूज ओनली फॉर द सेम। जो हमारा सेस है ये कुछ पार्टिकुलर पर्पज के लिए जो है हमसे लिया जाता है और इसका एक्सपेंडिचर उसी पार्टिकुलर पर्पज को फुलफिल करने में किया जा सकता है। आप ये सोचिए कि अगर आपने जो गंगा सफाई के नाम से जो है आपने सेस लिया और आप जो है कोई दूसरा काम करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस काम के लिए आपने सेस लिया है उसी काम को पूरा करने के लिए उस मनी का क्या करना है, यूज करना है। हमारा सेस जो है टेम्परेरी इन नेचर होता है, ये कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए किया जाता है। मान लीजिए एजुकेशन में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेस 0.5% लगा दिया, लेकिन एक साल के बाद गवर्नमेंट को जितना रिवेन्यू चाहिए था मिल गया। गवर्नमेंट क्या करेगी, उस एजुकेशन सेस को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो इसका मतलब यही क्या हो गया, हमारा टेम्परेरी इन नेचर हो गया। और जो मनी हमारा सेस के जरिए आता है ये हमारा पब्लिक अकाउंट में जाता है। हमारे पास कुछ फंड है, अगर आप पॉलिटी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आइडिया होगा, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट फंड ऑफ इंडिया, तो कुछ ऐसे टाइप के हमारे पास फंड हैं, तीन चार टाइप के। हम अपने पॉलिटी के लेक्चर में उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सेस के द्वारा जो मनी आता है वो हमारे किस में जाता है, पब्लिक अकाउंट में जाता है। और ये मनी जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए एजुकेशन के नाम से सेस लिया गया और स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि ये मनी हमें जो है मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस मनी को स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकती। केवल उन मनी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एकाधिकार है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल अगर एजुकेशन पर्पज़ से लिया है तो एजुकेशन में खर्च करेगी, अगर स्पोर्ट्स के पर्पज़ से लिया है तो केवल स्पोर्ट्स के फील्ड में जो है खर्चा करेगी। तो अगर हम सरचार्ज की बात करें तो ये भी हमारा एक टाइप का टैक्स ओवर टैक्स है, लेकिन जो हमारा सरचार्ज लिया जाता है ये मल्टीपर्पज होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए लिया जाए, जैसा कि हमने सेस में देखा। यहाँ पे जो मनी कलेक्ट होगा वो जो है किसी भी काम के लिए जो है यूज किया जा सकता है। यहाँ पे जो सरचार्ज लेने का जो इंटेंशन होता है मेन, वो लोगों में क्या है, जो इनइक्वलिटी है उसको कम करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्या हो, रिड्यूस हो सके। और यहाँ से जो मनी कलेक्टेड कलेक्ट होती है वो मनी हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है, और इस मनी को सरकार क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती है। लेकिन सेस के केस में ऐसा सरकार नहीं कर सकती थी। जो हमारा सेस है ये किस पे अप्लाई होता है, टैक्सेबल इनकम पे होता है, बट आफ्टर सरचार्ज। पहले सबसे पहले हम टैक्स हमारी अमाउंट कैलकुलेट होगी, उसके बाद हम सरचार्ज अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जितना हमारा टैक्स बनेगा उस पर हमारा क्या कैलकुलेट होगा, सेस। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए सेस एंड सरचार्ज को और अच्छे से समझते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि हम आखिर जो सेस है हमारा उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ ए कितना है, 30,000। 30,000 नहीं, आप 3 लाख मान लीजिए रुपीस, ठीक है। और टैक्स इस पे कितना है, 5%। इस 3 लाख पे 5% जो है टैक्स देना है।
तो टैक्स पेबल इनकम कितनी हो जाएगी हमारी? टैक्स पेबल इनकम इज इक्वल टू 3 लाख का 5%, 3 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15,000 रुपीज। अभी हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो है एजुकेशन, गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन सेस जो है 4% है, तो यहाँ पे हमारा सेस का अमाउंट क्या हो जाएगा? ये हमारा 15,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से आप ये कैंसिल करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका? 600 रुपीज़ आपका क्या बनेगा? सेस बन जाएगा। और टोटल आपका तब टैक्स कितना हो जाएगा? टोटल टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा? 15,000 प्लस 600 इज इक्वल टू 15,600 रुपीज़। यहाँ पे हमने ये सपोज किया है कि जो हमारा सरचार्ज है इस केस में नहीं कैलकुलेट हो रहा है। अगर सरचार्ज अगर जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता तो हमको 15,000 पे पहले सरचार्ज कैलकुलेट करना पड़ता, उसके बाद टोटल टैक्स पेएबल इनकम निकालना पड़ता, उसके बाद उस टोटल पेएबल जो टैक्स इनकम है उस पे जो है हमको जो है 4% एजुकेशन सेस निकालना पड़ता। ठीक है, तो अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम सरचार्ज के लिए। हम सेम केस लेंगे जिस जो केस हमने ऊपर लिया था, तो हमारा सेकंड केस क्या हो जाएगा? सरचार्ज कैलकुलेशन। हम मानते हैं इनकम ऑफ पर्सन हमने कितना लिया था? इनकम ऑफ ए पर्सन 3 लाख। ठीक है, तो हम टैक्स की रेट क्या हमने सपोज किया था? 5%। तो यहाँ पे टैक्स पेएबल क्या हो जाएगा? टैक्स पेएबल इज इक्वल टू 3 लाख का हमने 5% निकाला था, तो कितना आया था? 15,000 रुपीज़। मान लेते हैं गवर्नमेंट जो सरचार्ज ले रही है वो कितना परसेंट है? 2% है। हमने 2% जो है सरचार्ज सपोज कर लिया, तो सरचार्ज किस पे कैलकुलेट होगा? टैक्स ओवर टैक्स होता है, तो ये जो हमारा 15,000 टैक्स पेबल इनकम है उस पे हमारा क्या होगा? सरचार्ज कैलकुलेट होगा, 2 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 300 रुपीज़। तो नाउ टोटल टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? अभी ये आपका हो जाएगा 15,300 रुपीज़। तो अभी हमने माना था कि जो गवर्नमेंट है एजुकेशन सेस 4% ले रही है, तो एजुकेशन सेस का रेट क्या है? 4%। तो यहाँ से अगर हम सेस का अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल टैक्स पेबल 15,300 इंटू 4% डिवाइड बाई 100, तो इस 100 से ये कर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया? 4 3 12, 4 5 20, 21 एक दो, 4 कम 4 2 6, मीन 612 रुपीज़ आपका क्या हो गया? सेस हो गया। तो अभी टोटल आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? 15,000 प्लस 612, ये कितना हो गया आपका? 15,912 रुपीज़। तो आपका जो इनकम टैक्स हो गया, सरचार्ज एंड सेस, इन तीनों को कैलकुलेट करके आपको टोटल कितना आप पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? 15,912 रुपीज़, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीज़ है। तो आज हमने क्या सीखा? सेस एंड सरचार्ज क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस देखें, और एक एग्जाम्पल के जरिए हमने इसको अच्छे से समझा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और ये हमारा कोर्स जो है अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को क्या करिए? प्रमोट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लर्निंग।